विघ्नहर्ता श्री गणेश। श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था। प्रभु को कष्ट हो ये नहीं सह सकता मैं। और जाल बुनूंगा, किंतु सूर्य के इन किरणों को प्रभु के शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। किंतु उस मकड़े का ये दृढ़ता भरा निर्णय था और विश्वास भी था कि प्रभु के शिवलिंग सदैव सूर्य के किरणों से सुरक्षित रहेंगे। को भर दूंगा। प्रभु का वो मकड़ा भक्त इसी प्रकार पूर्ण निष्ठा से ऐसे ही प्रभु की सेवा करता रहा। जब भी उसका जाला वायु, पशु अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होता, तो वो मकड़ा उसी क्षण प्रभु के कष्ट को हरने के प्रयास में जुट जाता। पर फिर किसी भी अन्य भक्त के समान ये उस मकड़े भक्त की परीक्षा का समय था। उस दिन सूर्य देव की किरणें इतनी तीव्र और तीक्ष्ण थी कि वो मकड़े के जाल को अपने ताप से जलाने लगी, और उसके सभी प्रयासों के बाद भी वो अपने जाल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। तो क्या उस भक्त ने असफलता स्वीकार कर ली? नहीं वीर बाहू जी, किसी भी सच्चे भक्त के समान उसने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, किंतु अपनी भक्ति पर आँच नहीं आने दी। वो अग्नि बुझाने जाले के उस भाग पर पहुंच गया जहां अग्नि का प्रभाव था, और अग्नि को शांत करने के प्रयास में वो स्वयं आहत होने लगा, किंतु रुका नहीं। ये तो मात्र उस भक्त की परीक्षा थी। शिवलिंग का स्पर्श होते ही उसे प्राण दान प्राप्त हुए। ऐसी अटूट भक्ति है तुम्हारी वत्स कि तुमने वो कार्य किया है जो प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं। अपने प्रभु को ही अपनी छत्र छाया से ढक दिया तुमने, तपती धूप में छाया प्रदान की। तुम्हारी ये महान भक्ति सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी, सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुनः वरदान मांगने को कहा। एक छोटे से कीट को भला क्या वरदान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ति भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा कीट, उसकी भक्ति ही उसे सच्चा भक्त बनाती है। ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमाणित कर ही दिया था, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता। क्यों गणेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने संयुज्य मुक्ति का वरदान मांगा। वत्स, मैं तुम्हें संयुज्य मुक्ति का वरदान देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी आशीष देता हूँ कि यहाँ जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ति करेगा, वो मनुष्य हो अथवा कोई जीव, चींटी हो या विशाल गाय गज, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और मेरे साथ सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हे श्री ज्ञानमूर्ति गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्री नाम कैसे जुड़ा ये तो ज्ञात हो गया मुझे।
किंतु काल और हस्ती ये शब्द इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभु का भक्त था, वैसे ही एक काल अर्थात एक सर्प और हस्ती अर्थात एक गज भी महादेव के भक्त थे। प्रत्येक भोर में वो गज हस्ती पुष्प गुच्छ और बेलपत्र के साथ अपनी सूंड में जल लेकर आता था। और फिर संध्या में काल नामक सर्प भी आया। उस सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभु के योग्य ना थे, तो उसने प्रभु के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभु पूजा में रम गया। जिस प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्धति नहीं भाती थी, उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगाव ना था। वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंक देता था और काल उसके पुष्पों को। ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा, किंतु एक दिन क्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंक दिया। जब रात्रि में सर्प वहां पहुंचा, तो वो प्रभु के शिवलिंग के निकट पुष्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ। उसने अपने अनुसार उस स्थल को स्वच्छ किया, फिर उसकी प्रतीक्षा में वही स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था। और फिर अगली भोर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया। गज के इस भीषण युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनीय कष्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। उठाकर शिवलिंग के निकट पहुंच गया और सर्प भी मणि उठाकर प्रभु के निकट। कल्याण। जब दोनों के प्राण लौटने लगे, तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने सयुज्य मुक्ति ही मांगी। उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ति ही नहीं दी, अपितु एक अनूठा आशीष भी प्रदान किया। मुक्ति के साथ साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशेष स्थान देता हूँ। आज के बाद
तुम दोनों के नाम मेरे नाम से जुड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन्ह मेरे इस शिवलिंग के ऊपर होंगे। इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती की जय। श्रीकालहस्ती की जय। तुमसे प्रभु श्रीकालहस्ती की ये कथा जानकर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश, किंतु अब हमें संध्या आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं भ्राता, मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है जिसका संबंध पाशुपतास्त्र से है, जिससे आप सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। और मात्र पाशुपतास्त्र ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है। माँ, जब प्रभु महादेव किसी ऐसे कार्य के लिए कहीं प्रस्थान करते हैं तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया मैंने, माता क्या सोचेंगी? तुम्हारे इस प्रश्न का अर्थ मैं समझती हूँ पुत्री। हो ना हो, तुम भी पुत्र कार्तिकेय को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने लगी हो। पुत्री, जब महादेव ऐसे विशेष कार्यों के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उनके कुशल क्षेम के लिए पूजा में व्यस्त रहती हूँ। इससे मेरा ध्यान भी बटा रहता है और मैं किसी भी कारण से उनका ध्यान नहीं भटकाती। किंतु मैं अपने मन को कहाँ व्यस्त रखूं? तुम भी अपना ध्यान लगाने के लिए महादेव का 16 सोमवार का व्रत कर सकती हो। इससे तुम्हें अपना मनचाहा वर भी मिल जाएगा और तुम उसके हित में पूजा भी कर सकोगी। संध्या वंदन में तो अभी बहुत समय शेष है भ्राता, आप कहें तो मैं पाशुपतास्त्र की कथा भी सुना दूं? हाँ गणेश, सुनाओ। पाशुपतास्त्र महाभारत के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसलिए महादेव के महाभक्त अर्जुन जो महाधनुर्धारी थे उन्होंने यहाँ अपनी तपस्या आरंभ की। किंतु बाद में उनकी तपस्या के कारण पिताश्री महादेव और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। देवऋषि का विश्व शांति के लिए यज्ञ जितना विशाल होगा, चुनौती भी उतनी विशाल होगी उस बालक कार्तिकेय के सामने। यह जब वो कार्य करेगा जो मेरा शक्तिशाली असुरशक्त बाहु नहीं कर सका। नारायण अवतार श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडु पुत्र महारथी अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए जगत पिता महादेव की तपस्या आरंभ की। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम हिनस्ति दुखम विदधाति सन्मदम चिनोति सत्वम विनिहंति तामसम तपो अथवा किम न करोति देहिनाम। अर्थात तप धर्म का विस्तार ही नहीं करता अपितु दुख का विनाश भी करता है, साथ ही अस्मिता भी देता है और सत्व का संचय करता है।
तब से सब कुछ संभव है। उसी प्रकार महारथी अर्जुन की तपस्या के चरम ने असंभव को संभव किया। उनके जाप से कैलाश ही नहीं, महादेव भी अछूते नहीं रहे। किन विचारों में मग्न है? स्वामी, अपार शक्ति के साथ अपार दायित्व भी निभाना पड़ता है। अपने तप के फल स्वरूप महारथी अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त होगा, किंतु स्वामी, क्या महान धनुर्धारी अर्जुन सदा इसका प्रयोग अपनी बुद्धिमानी से और न्याय के लिए ही करेंगे? यह तो हमें तभी ज्ञात होगा देवी, जब अर्जुन की परीक्षा होगी। इसी मध्य दुष्ट दुर्योधन ने वाराह मुकासुर को अर्जुन के तप को भंग करने के लिए भेजा। ये कोई साधारण वारा तो नहीं है प्रभु। रुको, वो मेरा आखेट है, तुम उसका वध नहीं कर सकते। योद्धा का अस्त्र एक बार उड़ गया तो बिना वार के नहीं झुक सकता, और मैं अपना धनुष कदापि नहीं झुकाऊंगा। वास्तविक योद्धा और आखेटक बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। अपना लक्ष्य साधो और संभव है तो मुझसे पहले उसका वध करो। एक ही बार में आपने इतने विशाल और भयंकर वारा का आखेट कर दिया। देवी, आपसे भूल हो रही है, मेरा बाण है इस वारा के अंत का कारण। आप एक कुशल योद्धा अवश्य है, किंतु प्रहार तो मेरे बाण ने भी किया है इस पर, इसलिए मुझे विश्वास है इसे आहत भी मैंने ही किया है। आपको विश्वास है? और मैं अपने बाण के वार को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जब दोनों बाणों ने एक ही समय पर इस पर आघात किया है, तब तो ये मृत वारा ही बता सकता है कि इसके प्राण पखेरु किसके आघात से निकले हैं। जो आखेट करते हैं उन्हें भली भांति ज्ञात होता है कि आखेट होने वाला जीव
उनके ही बाण से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। किंतु तुम तो ठहरे एक तपस्वी, तुम्हें भला कौन श्रेष्ठ धनुर्धारी मानेगा और कौन स्वीकार करेगा कि तुम्हारा बाण ही सफल हुआ है? उचित कहा तुमने, बिना प्रमाण के कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आओ युद्ध करो मुझसे और प्रमाणित करो कि तुम्हारा कौशल और तुम्हारे बाणों की शक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। और जो भी इस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, आकेट भी उसी का प्रमाणित होगा। उचित है। महायोद्धा अर्जुन को ये ज्ञात ही नहीं था कि उन्होंने किरात अवतार में प्रभु को चुनौती देकर स्वयं अपनी परीक्षा स्वीकार की थी। मेरे साधारण बाण ही तुम्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त है। कदाचित तुम्हें लेकर मेरा अनुमान उचित नहीं था, श्रेष्ठ धनुर्धारी हो तुम। तो लो, अब मेरे परम शक्तिशाली बाणों का सामना करो। मैं प्रस्तुत हूँ। उचित है। वायु अस्त्र। अर्जुन का युद्ध कौशल, उसका सामर्थ्य अति उत्तम है, किंतु उसकी परीक्षा भी शेष है। ईश्वर के लिए सभी भक्त समान रूप से प्रिय होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु।